हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और जो आपका एडेड जूनियर का एग्ज़ाम होना था उसकी फाइनली परीक्षा तिथि आ गई है। 17 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हो जाना है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इतने कम समय में तैयारी कैसे हो। तो अगर आप देखें, अभी भी आपके पास 1.5 महीने का वक्त है। अगर आपने पहले से तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी है तो अच्छी बात है। आप अपना रिवीजन और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स ज़रूर लगाएं, प्रीवियस क्वेश्चंस ज़रूर देखें। और जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की है, जिनकी तैयारी अभी ज़्यादा नहीं हो पाई है, उनके लिए मेरी सलाह यही है कि 1.5 महीने का वक्त है। अगर आप कोशिश करें तो अभी भी आप कर सकते हैं। एससीईआरटी की बुक्स पढ़ें और एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहें तो एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास समय है और पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते रहें। जीके में बेसिकली आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप किसी भी एक अच्छी सी ऑथेंटिक बुक से तैयार कर सकते हैं। करंट के लिए आप डेली अपडेट रहें, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखें कि जो बच्चे साइंस की तैयारी करें, जिन्होंने साइंस से फॉर्म डाला है, उनको मैथ और साइंस दोनों पढ़नी है। तो साइंस के लिए आप एक चीज़ समझ जाएं कि आपको एससीईआरटी बुक्स तो ज़रूर तैयार करनी ही करनी है। और ऑल द बेस्ट कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए और ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लें जितना जल्दी हो सके। और कोशिश करें, अगर समय कम है, क्योंकि 1.5 महीने का समय है, तो एक एक बुक को पढ़ना एकदम ब्रीफली इतना इजी नहीं है। तो आप कुछ ऑथेंटिक बुक्स ले करके उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार, दो बार, चार बार, बहुत बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस पेपर्स लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।